सूबे के व्यापारियों तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है ही है, हमेशा नाल है, अगे नूं भी नाल है। तोहफा तो की है जो देना उन्होंने हक देना सी। कल केंद्र पंजाब गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, अभी 25 पैसे जो पेट्रोल डीजल वधाया गया, पहला ही जो दूजे राज्य पंजाब का जो रेट है वध है। ये अपनी अपनी स्टेट की अपनी अपनी सिस्टम होंगे, किसी का की खर्चा किसी का की खर्चा है। ये ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपनी जेब च पाने 25 पैसे, ना मैं पाने, ना तुसी पाने, ना किसी होर। ये जो भी टैक्स लगते ने औखे तो औखा जो समा आता है, क्योंकि कोविड की बीमारी है और खर्चे ही खर्चे ने, इन्ने खर्चे ने तो इनकम के सोर्स बहुत बंद हो गए। और 25 पैसे नाल मैं समझदा कि भावें लोगों को फर्क नहीं, जिते 70-72 रुपये देने, 25 पैसे ने कोई मायना नहीं कहता, फिर भी सरकार को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और मैं समझदा कि ये थोड़े समय की आरजी तौर पर होएगा, ये हमेशा सरकारां नूं करना पैंदा। ये जदों किते कोई एक तो थोड़े सामने ही है, 14,000 करोड़ रुपये तो GST का जे सेंटर नहीं दे रहा, कित्थे जाइए, सारे मुलाजमें तनखा भी देनी है, सब कुछ करना, 14,000 करोड़ वो नहीं दे रहा, दूजे किन्ने फंड ने वो नहीं दे रहे साढ़े, तो तकरीबन 16,000 करोड़ रुपया सेंटर वादा जिहड़ा, क्योंकि वो रुकी बैठा साढ़े नाल रुसे हुए ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किसानों की ज़्यादा मदद करती जिहड़ा मसला पा गया। सो इस करके इस मुश्किल की घड़ी जे 25 पैसे लगा दते, मैं समझदा कि लोगों की सहूलत नहीं, लोगों का कोई काम बंद ना हो, इस करके लगाए। केंद्र सरकार ने अच्छा झटका दिता जी, तुसी किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़े हैगे जिहड़े काले कानून ते, सुप्रीम कोर्ट सन्मानयोग है, और मैं समझदा कि सुप्रीम कोर्ट का वधिया उन्होंने एक गल नाल वो जिहड़े काले कानून से उन्होंने नकारिया, सुप्रीम कोर्ट ने नकारिया भी गलत ने, ताही पाबंदी लाई है ना, और इस गल की मैं शलाघा करदा और इन हमेशा लई बंद कर दिया। तुहानू लगदा किसानां नूं मनना चाहिए इस फैसले नूं? हमेशा लई बंद होना चाहिए, हमेशा लई रद्द होने चाहिए, बंद होने चाहिए। और किसानां नूं, किसान तो मन्ने 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 बनाए ने बेचारे, वह तो पहले ही कहते हैं भी इन्हों बंद कर दो, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੂਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫੂਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਊਗੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਰਲਾ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਖਾ ਲੈਣ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹੇਗਾ।